अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आमिर मरूफ और आप देख रहे हैं एम टेक। दोस्तों आई होप आपको बोया बीवाई एम वन माइक की अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। दोस्तों जैसा कि आज की वीडियो में हमने बोया बीवाई एम वन माइक की अनबॉक्सिंग की है, ये माइक मुझे Draz.pk ने भेजा है जिसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 16,000 है। दोस्तों बात करते हैं ये माइक मैंने क्यों खरीदा, व्हाई आई चूज दिस वन। उसके तीन रीजन है। द फर्स्ट वन इज दैट ये बजट माइक है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, तकरीबन तमाम स्मॉल क्रिएटर्स के लिए बहुत जरूरी है। सेकंड इज दैट ज्यादातर यूट्यूबर इसी माइक को यूज कर, जैसे टेक्निकल गुरु जी हो गए और बहुत सारे यूट्यूबर इसी माइक को यूज करते हैं। एंड थर्ड थिंग इज दैट के ये माइक आपको काफी ज्यादा जो है लंबी लेंथ प्रोवाइड करता है। आगे जाके इस वीडियो में बताऊंगा इसकी लेंथ कितनी होती है। सो लेट्स जंप इन द वीडियो। दोस्तों वीडियो मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों अभी बढ़ते हैं बॉक्स कंटेंट की जानकारी में, आपको बताऊंगा इसमें आपको बोया के माइक बीवाई एम वन के बॉक्स के साथ आपको क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों अगर बात की जाए बॉक्स कंटेंट की तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मिलता है इसका बोया बीवाई एम वन का बॉक्स इटसेल्फ। एंड हमें मिलता है एक पाउच माइक को कैरी करने के लिए एंड कुछ मजीद स्टफ, जिनमें सबसे पहले हमें मिलता है एक लेपल या क्लिप मिलता है माइक को कॉलर के साथ लगाने के लिए। एंड उसके बाद हमें मिलता है एक 148 का एडॉप्टर जिसकी मदद से आप अपने माइक को साउंड सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं या डिफरेंट कैमरा के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें मिलता है एक फॉर्म जो नॉइज कैंसिलेशन के लिए आपको मदद करता, हवा वगैरह को रिकॉर्ड नहीं करता। एक L4 बैटरी सेल मिलता है हमें, एक यूजर मैनुअल और उसके बाद हमें मिलता है हमारा बोया का BY-M1 माइक। बेहतरीन क्वालिटी लगता है, काफी अच्छी क्वालिटी से बना हुआ ही है, इसकी वायर जो है वो भी काफी अच्छी क्वालिटी से बनी हुई है। माइक की बात की जाए तो इसके एक साइड पे आपको इसका छोटा सा माइक नजर आता है जिसके ऊपर मैंने अभी नॉइस रिडक्शन के लिए फॉर्म लगाया हुआ है। एंड दूसरी साइड पे आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है कैमरा मोबाइल या लैपटॉप वगैरह से कनेक्ट करने के लिए। एंड इसके सेंटर में आपको दोस्तों कुछ इस तरह से मिलता है, सामने की तरफ आपको बोया की ब्रांडिंग मिलती है, उसके नीचे आपको एक बटन मिलता है जिसकी वजह से आप कैमरा या स्मार्टफोन वगैरह में स्विच कर सकते हैं। एंड आपका जो सेल है वो भी यहीं पे डलता है। दोस्तों इसकी लेंथ की बात कीजिए तो ये आपको माइक मिलता है 6.0 मीटर की लेंथ में, जो कि तकरीबन 19.5 फीट या 20 फीट बनता है, तो काफी ज्यादा इसकी लेंथ है। आप एक कमरे में आसानी से बैठ के एक स्टूडियो में कैमरा आपसे काफी दूर उसके साथ कनेक्ट करके आप आसानी से ऑडियो अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों प्राइस की बात कीजिए तो ये माइक मुझे 16,000 में पड़ा। तो बात की जाए इसके रिव्यू की, दोस्तों मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका रिव्यू भी दूंगा और मेरे पास कुछ मजीद माइक पड़े हैं उनके साथ मैं इसका कंपैरिजन एक वीडियो बनाऊंगा। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियो के वाले से कुछ पूछना तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड इस वीडियो को अगर आप चाहते हैं आपको अच्छी लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। सो दोस्तों आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू Draz.pk फॉर सेंडिंग मी दिस प्रोडक्ट। तो इस माइक को मैं वापस इसके पाउच में रख देता हूँ। सो दैट्स इट फॉर द वीडियोस गाइस। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।